शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक की घोषणा की, इसके साथ ही अनलॉक के नियम भी सख्त किए गए हैं। नागपुर शहर के आयुक्त तुकाराम मुंडे गुरुवार को घोषणा की थी कि शहर में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देगा उसे 200 रुपयों का चालान देना होगा। इस नियम का पालन मनपा की ओर से सख्ती से पालन किया जा रहा है। शुक्रवार को अकेले गांधीबाग जोन में ही 3 से 4 लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना ना भूलिए, क्योंकि यह आदेश आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। मास्क नहीं पहनने का नियमों का उल्लंघन करते हैं। एक थोड़ी देर में अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारी अपने साथ रहे भी एक मिनट क्या बताएगी। जो अभी चालान भरा गया है तो सबकी को बताया है कि मार्केट आज से हुआ है, वन साइड से ओपन है, वन साइड से क्लोज है। मास्क के लिए कंटिन्यू बताया जा रहा है कि मास्क पहन करके बाहर निकला करो, कोई जरूरी काम है तो ही बाहर निकला करो, अगर बाहर निकल गए तो मास्क होना जरूरी है। और सभी को पता है कि बीमारी कितने इसका कितना ज्यादा प्रकोप शुरू है, इसलिए हम लोगों को हम बता रहे हैं कि भैया मास्क पहना करो, और मास्क नहीं पहनेंगे तो लोगों पर चालान कार्रवाई कर रहे हैं। कई दिन से हमको बता रहे हैं भैया मास्क पहनो, अगर जो लोग नहीं मिल रहे तो उसका रुपये लोग मिल रहे हैं, उनके ऊपर 200 रुपये की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसकी कार्रवाई है? अभी 2 कार्रवाई की है, तीसरी कार्रवाई है। एक आदमी को इंटीमेशन देकर के छोड़ा गया, वो गरीब था, वो किसी हालत में नेता था ही नहीं उसके पास, उसको एक मास्क लिया गया, हमारे पास तो मास्क लिया गया, बाकी एक पर चालान काटा, एक पर छोड़ा गया, एक दूसरा आदमी चालान काटा।